नई सफारी 2024 का फेसलिफ्ट, इसमें पूरा वेंटिलेटर सीट कर दी गई है और जो कि फॉर्च्यूनर में नहीं आती है। फॉर्च्यूनर के टक्कर की अगर कोई गाड़ी है तो अब है भाई टाटा सफारी। तो कुल मिलाकर भाई गाड़ी मुझे तो भाई बहुत अच्छी लगी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो भाई आपका भाई गौरव डेडा फिर एक बार आपके सामने आते हुए नए व्लॉग के साथ में। होप करता हूँ आप सब लोग बढ़िया हो, तो भाई बढ़िया ही रहना। और बताओ भाई, लास्ट व्लॉग अपना आया था, कैसा लगा आप सभी? वैसे जो मैंने अनुमान लगाया अपना, जो मेरा आइडिया है लास्ट व्लॉग को लेकर के, उसको ये है कि भाई आप सभी लोगों ने उस पर भरपूर प्यार दिया है। उस पर जो मेरे को रीच मिली है ना वॉच टाइम की, वो 75% से भी ऊपर है। तो कुल मिला के ना भाई व्लॉग का जो आप सभी से प्यार मिला बहुत ही भयंकर मिला, कमेंट्स वगैरह सब चीज़ भरपूर आए भाई। तो इसी तरह से बस प्यार बनाए रखा करो, ठीक है ना, ताकि और व्लॉग नए नए आते रहें। तो फिलहाल आज का जो व्लॉग है अपना, ये बहुत अलग होने वाला है थोड़ा सा। कुछ काफ़ी टाइम से ना अपने कुछ गाड़ी वाड़ियों को लेकर के व्लॉग नहीं आ पा रहे थे, तो आज अपना जो व्लॉग है ये गाड़ी के पर्पज़ से व्लॉग है, जैसे कि आपको थंबनेल को देख के पता चल ही गया होगा। तो फिलहाल अभी मैं जा रहा हूँ भाई टाटा के शोरूम सेक्टर 8 नोएडा, उधर भाई वगैरह हैं अपने, मिलवाऊंगा आपको चल के उनसे और वहीं पे आज बनाएंगे अपना व्लॉग। तो फटाफट पहुंचते हैं सेक्टर 8 नोएडा और वहां चल के फिर अपना व्लॉग शूट करते हैं। लो जी, लोग पहुंच गए भैया सेक्टर 8 टाटा के शोरूम में और अब अंदर चलते हैं, भाई से मिलते हैं और अपना फिर आगे व्लॉग शूट करते हैं। लो भाई, सबसे पहले मिलो हमारा अतुल भाई से, बहुत दिनों बाद। कैसे ना भाई, मिलते जुलते रह करो, तुम तो कहते गायब ही हो जाओ है, हम आ जा तो आ जा, तुम तो कभी उनका को आओ ना हो। ये मजदूरी कर रहे हैं, दफ्तर भी देखना पड़े हैं। बिल्कुल भाई बिल्कुल। तो भैया यहाँ अतुल भाई ने हमारे लिए कॉफ़ी वॉफी मंगवा रखी है, बाकी आगे का सारा कार्यक्रम कब शुरू करवाओगे? आगे कार्यक्रम कल नहीं, सफाई दिखाओ अभी नहीं दिखाएंगे, वो थोड़ा सा रुक का दिखाएंगे। सस्पेंस में ना, गाड़ी बढ़िया लग रही भाई, एकदम सामने देखना भाई, ऐसा लग रहा है सफारी कटी है, जो बात है। हाँ तो भाई गाड़ी बिल्कुल एकदम अपनी आँखों के सामने खड़ी हुई है अभी, और आपको एक पूरा गाड़ी का लुक वगैरह सारी चीज़ें दिखाएंगे और सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में बताऊँगा गाड़ी के बारे में। गाड़ी है टाटा सफारी, तो नई वाली अभी फेसलिफ्ट है 2024 का, तो सारा गाड़ी के बारे में जितने भी क्लैरिफिकेशन होगी वो सब आपको इस वीडियो में दिखाएंगे। तो चलते हैं फटाफट, पहले कॉफ़ी पी दो, उसके बाद इतना। तो भाई ये है अपनी नई सफारी 2024 का फेसलिफ्ट। तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे भाई इसके फ्रंट ग्रिल की, और फ्रंट ग्रिल की अगर मैं बात करूँ तो भाई ये देखो पियानो फिनिशिंग में दी हुई है पूरी, और पूरा देखो आप इसे पूरा चेंज कर दिया गया है, पहले जो थी ग्रिल उसके मुकाबले बहुत ज़्यादा चेंजेस कर दिया है। और आपको इस ग्रिल के बारे में बताऊँ मैं कि जो आप ये ग्रिल देख रहे हो ये हर कलर के साथ में अलग अलग सेगमेंट में आएगी, ये फ्रंट की ग्रिल भी ऊपर की नीचे की दोनों। और इसमें एक नया फीचर जो ऐड करा है इसमें सारा डियर एंड लाइट का, वो भी मैं आपको एक बार जला के दिखाऊंगा, और साथ ही इसमें प्रोजेक्टर लाइट भी डाल दिया है यहाँ पे, जो प्रोजेक्टर लाइट हो गई है, और नीचे देखोगे आप इसमें ही फॉग लैम्प दे दिया गया है। तो भाई कुल मिला के जो फ्रंट है सफारी का पूरा चेंज कर दिया गया है, और आप इसको अगर इन शॉर्ट अगर आप इसे लग्जरी गाड़ी में कोई नाम दोगे तो रेंज रोवर इवोक का भी इसमें पूरा पूरा लुक है भाई। और सच बताऊँ फॉर्च्यूनर को टक्कर देने वाली गाड़ी है टाटा ने निकाली अपनी, बहुत ही ज़बरदस्त गाड़ी निकाली अपनी ये टाटा सफारी ने, और इसी में आप देखोगे सफारी के जरिए अपना ब्रांडिंग भी करी हुई है साथ में गेट पर। अब गाड़ी के टायर की बात करें तो अब जो गाड़ी का टायर का साइज़ है वो है 245/55 R19, इसमें जो आप अलॉय देख रहे हो भाई 19 इंच के अलॉय हैं, पैड रहे अलॉय भाई। हो सकता है वीडियो में देखने में आपको इतना बड़ा नहीं लग रहा हो टायर का साइज़, पर भाई वाकई में सामने से देखने में बहुत बड़ा साइज़ है भाई। तो ये देख लो भाई गाड़ी का जो टायर का साइज़ है ये लिखा हुआ 245/55 R19। ये है इसकी भाई पूरी, आप देखोगे टेल लाइट की पूरी चेंज कर दी गई है, ये सारा इसमें कनेक्टिंग कर दिया है, आपको भी मैं ये बारा पूरा जला के दिखाऊंगा कि पूरा भाई इसमें DRL लाइट आ गई पूरी पीछे से,
और साथ के साथ ही अगर आप जैसे देखोगे कि नीचे का जो बैक फ्रंट है ये पूरा पियानो में कर दिया गया है, ब्लैक कलर का है पूरा। और ये हर गाड़ी के कलर जैसे नए नए कलर आए हैं तो उन सब के साथ में अलग अलग कलर का जो भी कलर होगा वो कलर इस पर आ जाएगा नीचे आपके इसमें, तो पूरा पियानो लुक में है नीचे का ये पूरा भी। बाकी भाई गाड़ी में पीछे देखोगे तो आप ये इधर हाईलाइटर दिए हुए हैं बढ़िया एकदम, और टोटली जो है लुक जो चेंज कर दिया अब सफारी का, ऑलमोस्ट जो पहले सफारी थी उससे बहुत हद तक काफ़ी सारी चीज़ें इसमें चेंजेस हुई है गाड़ी में। और सबसे अच्छा जो मेरे को लगा ना भाई गाड़ी में इसके अलॉय यार बहुत ही क्लासिक लग रहे हैं एकदम बढ़िया, स्पैटर अलॉय जो बोलते हैं इनको। और साथ ही के साथ 19 इंच के अलॉय हैं भाई जो कि इससे कंपैरिजन में और किसी गाड़ी में आपको नहीं मिलेंगे। ये देख लो भाई इधर भी साइड में ब्रांडिंग हो रखी है पूरी सफारी की। कुल मिला के भाई सफारी की अगर लुक की बात करूँ और वैसे तो भाई गाड़ी एक नंबर की निकाली है पूरी एकदम शानदार। और मेरे को सबसे बढ़िया ये लगा कि भाई मेरे को ब्लैक कलर की गाड़ी बहुत पसंद है तो उसी के साथ ही ये भी पूरी ब्लैक कलर की है, डार्क एडिशन है और बहुत क्लासिक लग रही है यार। तो भाई सबसे पहले शुरुआत करते हैं इसकी टेल लाइट से। टेल लाइट देखो भाई पूरा इसमें रेड कलर का पूरा DRL आ रखा है भाई, ये पूरा बहुत ही मतलब एक अलग लुक दे दिया पूरी सफारी में ना, ऐसा लग ही नहीं रहा कि हम टाटा की गाड़ी देख रहे हैं भाई, जो बात है पूरा लग्जरी वाली फील आ रही है गाड़ी को देखने में और बहुत ही शानदार वाले लुक कर दिया टाटा सफारी का। तो टेल लाइट भाई मेरे को स्पेशली बहुत पसंद आई है। और अब आपको मैं दिखाता हूँ इसका फ्रंट, फ्रंट देखोगे तो भाई वो भी बहुत क्लासिक कर दिया है। ये देखो भाई लाइट के साथ में DRL लाइट आ गई है यहाँ पे पूरी और बहुत ही अलग लुक कर दिया भाई, मतलब लाइट के साथ ना ये देख लो भाई प्रोजेक्टर लाइट भी जल गई है इसकी। तो गाड़ी की कुल मिला के जो लुक आ रही है भाई रियली, अगर मैं इसमें से टाटा का लोगो हटा दूँ ना आप जज नहीं कर पाओगे कि ये कौन सी है कौन सी नहीं, पूरा भाई मतलब लग्जरी गाड़ी का पूरा लुक है भाई। हालांकि जो पहले सफारी है उससे कंपैरिजन में भाई ये और भी बोल्ड लुक कर दी है, और इसका जो पहला वाला लुक था वो भी ऐसा नहीं कि बेकार था, काफ़ी बढ़िया था 2021 वाला भी, उसी के साथ ही 2024 का ही भाई बहुत ही शानदार लुक कर दिया है। जो इसमें इंडिकेटर है वो भी पूरा रनिंग वाला आ चुका है जो कि पहले वाले में नहीं था, तो ये चेंजेस इसमें अच्छा है। और ये भाई आजकल सभी गाड़ियों में जैसे कर रहे हैं तो उसी हिसाब से टाटा ने भी ये चीज़ देख करके इसको चेंज किया और शानदार लुक बनाया भाई पूरे गाड़ी का, रनिंग वाले इंडिकेटर देखे आप आगे से देखोगे और पीछे का भी। ये देखो भाई पीछे वाला देखोगे तो वो भी रनिंग में है भाई पूरा, मतलब क्लासिक लुक कर दिया गाड़ी को। तो भाई अब बात कर लेते हैं गाड़ी के अंदर के फीचर्स के बारे में, किस तरह का इंटीरियर है क्या है क्या नहीं तो सारा आपको दिखाते हैं, चलते गाड़ी के अंदर। आ जाओ जी बाहर आ जाओ तलक। तो भाई सबसे पहले चलते हैं गाड़ी में अंदर। अरे भैया कम हो जा कम हो जा, थोड़ी सी बस यही कमी है टाटा में ना, थोड़ा ये चीज़ जो है वर्क नहीं कर पाती कई बार, हो सकता भाई शायद मैं नया नया बैठा हूँ गाड़ी में अभी शायद इस वजह से नहीं कर पा रहा हूँ इसे कंट्रोल, चलो कोई नहीं। तो भाई सबसे पहले बात करते हैं इसके स्पीडोमीटर की, आप स्पीडोमीटर देखोगे तो भाई पूरा चेंज कर दिया गया इसमें पूरा भाई, आपको मिलेगा साथ ही के साथ कार प्ले और ऑटो एंड्रॉयड भी इसके अंदर में आ रहा है, पूरा जो स्पीडोमीटर पूरा भाई डिजिटल बना दिया गया है। और साथ ही मिलेगी आपको इसमें भाई 12.3 इंच की एक स्क्रीन, बहुत ही क्लासिक है भाई ये भी। और इस स्क्रीन की अगर बात करूँ मैं तो इसमें बेस वेरिएंट में जाओगे मिड वेरिएंट में जाओगे तो उसमें मिलेगी आपको 10.5 की, बाकी अगर टॉप मॉडल आप लोगे तो उसमें आपको मिलेगी भाई 12.3 की स्क्रीन। तो ये पूरा भाई स्क्रीन है इसका और आप इसे देखोगे ये पूरा इसका भाई ये हो गया स्पीडोमीटर जो कि भाई बहुत ज़्यादा क्लासिक लग रहा है। और इसी के साथ ही आपको इसमें एक चीज़ और देखने को मिलेगी, स्पीडोमीटर में जैसे आप हम कई बार नेविगेशन चला देते हैं तो वो इधर आता है साइड स्क्रीन पे, तो साइड स्क्रीन पे ना आकर सीधा इसमें ही आ जाएगा भाई आपका। तो इसमें आप अपना कार प्ले कनेक्ट करो, एंड्रॉयड ऑटो कनेक्ट करो और अपना इसमें GPS वगैरह जो भी चलाना हो सारा इसमें आपको डिस्प्ले हो जाएगा। अति बात करते भाई गाड़ी का कुछ लग्जरी लुक जो गाड़ी का अंदर से दिया गया है, हालांकि मैंने भी अपनी गाड़ी में लगवा रखी है और बहुत ही क्लासिक लगती है भाई वाकई में लगी, पर जो ये लुक इसमें आ रहा है ना भाई लेदर के साथ में फिनिशिंग के साथ में और पूरा हार्ड प्लास्टिक के साथ में भाई वाकई बहुत ही शानदार लग रहा है, मतलब अलग ही लुक कर दिया भाई गाड़ी का पूरा शानदार एकदम। बाकी इसमें आप देखोगे ये एम्बिएंट लाइट भी भाई इसमें दी हुई है, वाकई भाई बहुत ही शानदार बना दिया इंटीरियर ना। और सबसे खास भाई इसका जो स्टीयरिंग है ना यार वाकई बहुत क्लासिक है पूरा स्टीयरिंग भाई अलग, अब तक का मैंने भाई ऐसा कभी स्टीयरिंग किसी गाड़ी में देखा नहीं है। और आपको सही बताऊं यार ये जो ये पैनल है बहुत ही क्लासिक लग रहा है, ये पूरा हॉर्न हो गया इधर। ये पहले वाले सफारी की बात करूं तो भाई उसका जो स्टीयरिंग था वो था हाइड्रोलिक स्टीयरिंग, और जो अब का ये स्टीयरिंग है आप जो देख रहे हो ना ये वाला स्टीयरिंग है भाई इलेक्ट्रॉनिक स्टीयरिंग, तो इसमें भी भाई काफ़ी बड़ा चेंजेस कर दिया है।
आप जो देख रहे हो ना, जो हार्ड प्लास्टिक है सारा, हर गाड़ी के हिसाब से जैसे कलर जो भी होगा ना, उस कलर के हिसाब से सारा चेंजेस होगा। जैसे हैरियर में येलो कलर आ रहा है आजकल, तो वो येलो कलर का आपको टचअप यहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा। ये सारी चीज़ें आप जो देख रहे हो थोड़ा सा ग्रे लुक में, उधर उधर जैसे हैंडिंग में आ गए सारा, जो गेट के हैंडल हो गए, इधर भी उसमें कलर आ जाएगा। जो भी आप गाड़ी का कलर चूज करोगे ना, बेसिकली उसका कलर जो है आपको यहाँ पे हार्ड प्लास्टिक पे, गेट के हैंडल पे, और इधर साइड में जो आप देख रहे हो, ये सब चीज़ें भी जो है उसी कलर का ट्रांसफॉर्म कर लेगा। और बाकी भाई गाड़ी में जो आप ये पैनल देख रहे हो, पूरा टच का पैनल कर दिया गया है यहाँ पे। ये इसमें ऑटो होल्ड है, पार्किंग है, जैसे इसमें हैंडब्रेक होता है ना गाड़ियों में, और में तो इसमें हैंडब्रेक ये पार्किंग का सिस्टम है। एसी के ऊपर करोगे तो हैंडब्रेक लग जाएगा। एसी के जो ये वेंट्स हैं भाई, ये बहुत अच्छे कर दिए गए हैं। एसी सिस्टम पूरा मतलब आगे से पूरा चेंज कर दिया गया है एसी वेंट्स का भी। मतलब कुल मिला के गाड़ी को पूरे अंदर से एक लग्जरी लुक दी है गाड़ी को। आप इधर पीछे का भाई इसका स्पेस देखोगे, जैसे कि मैंने अपनी सफारी का भी दिखाया हुआ है आपको, तो भाई गाड़ी का स्पेस बहुत अच्छा है पीछे का भी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सनरूफ तो इसका भाई खैर है ही लाजवाब, पूरा सनरूफ प्लस मूनरूफ, और बहुत बड़ा सनरूफ है भाई इसका, बहुत बड़ा। कुल मिलाकर भाई गाड़ी के अंदर जो कमियां थी वो सारी पूरी हो चुकी है। अब जो जाके है ये गाड़ी पूरा भाई फॉर्चुनर को टक्कर दे रही है, जो बात है। बाकी भाई चार्जिंग पॉइंट की बात करूँ तो भाई सेंटर रो में भी है यूएसबी और टाइप सी का, और आगे देखोगे तो भाई आगे भी है यूएसबी और टाइप सी, और वायरलेस चार्जर भी है आगे में, तो दोनों ही हैं इसमें भी। भाई गाड़ी के थर्ड रो की बात करूँ तो उसमें भी देखो आप यूएसबी पॉइंट दिया हुआ है और टाइप सी भी दिया हुआ है, तो मतलब भाई कुल मिला के गाड़ी में चार्जिंग पॉइंट की कोई कमी नहीं। एक और जो नया इसमें फीचर है वो ये है कि ग्लास कर्टन भी इसमें आ चुके हैं, जो कि पहले वाले सफारी में नहीं आते थे 2021 वाले में, पर इसमें देखोगे आप दोनों साइड ही ग्लासों में कर्टन आ चुके हैं। तो गाड़ी का जो प्राइस है भाई, प्राइस की बात करो तो भाई गाड़ी का प्राइस है 32 लाख रुपए, मैनुअल का टॉप मॉडल है, अगर ऑटोमेटिक लोगे तो वो भाई 33 लाख रुपए। गाड़ी का जो प्राइस रखा गया उस हिसाब से देखा जाए तो भाई गाड़ी के अंदर फीचर्स की कोई कमी नहीं है भाई। 360 डिग्री भी आ चुका है इसमें, अडास भी है, और भाई इसमें काफ़ी सारे फीचर जो कम थे ना मेरे पास जो सफारी उसके अकॉर्डिंग सब कुछ भर दिया भाई। गाड़ी वाला कुल मिला के एक नंबर हो गया भाई। जो भाई फॉर्च्यूनर के शौकीन हो और उनको भैया मून रूफ चाहिए, सन रूफ चाहिए, और भी काफ़ी सारी चीज़ें जो जैसे कि फॉर्च्यूनर में नहीं आती हैं, इसमें आप देखोगे इसकी जो सीट है वो भी काफ़ी भाई बढ़िया कर दी गई है, इसमें पूरा वेंटिलेटर सीट कर दी गई है, और जो कि फॉर्च्यूनर में नहीं आती हैं, तो ये सारी चीज़ें इसमें हैं आप सफारी में। तो सफारी बेसिकली अब कम्प्लीट कार बन चुकी है, जो कि ये गाड़ी में होनी चाहिए ना चीज़ें वो सारी आपको सफारी में मिलेंगी भाई। तो बस अपना तो यही कहना है कि भाई अब फॉर्च्यूनर के सेगमेंट की और फॉर्च्यूनर के टक्कर की अगर कोई गाड़ी है तो अब है भाई टाटा सफारी। सफारी वाकई में भाई नो डाउट बहुत बढ़िया बना दिया है। इसकी एक खास चीज़ और दिखाऊंगा अभी, बट इसकी थोड़ी सी ना बैटरी डाउन है गाड़ी की, वरना आपको मैं वो भी दिखाता। लगेज वाला डोर खोलने के लिए आपको उसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस हल्का सा पैर को मूव करोगे नीचे और वो अपना आप ऑटोमेटिक खुल जाएगा। साथ ही उसमें बंद करने के लिए पुश बटन दे दिया, बटन दबाओ और वो अपना आप ही बंद हो जाएगा। तो ये कुछ फीचर्स थे जो मैंने आपको बताए जो सफारी में एड ऑन हुए हैं। बाकी भी अपनी गाड़ी में पहुँचते हैं और उसके बाद चल करके आगे की बात करते हैं। तो आपने देखी यार टाटा की नई सफारी जो कि आई है 2024 में। तो भाई गाड़ी के अंदर में सही बताऊं, वैसे सीरियसली कोई कमी नहीं लगी, सारे फीचर्स वगैरह सब चीज़ बहुत बढ़िया, बस एक चीज़ की कमी है। अगर इसमें वो फीचर्स आया था तो मैं पक्का डेफिनेटली बता रहा हूँ कि मैं इस गाड़ी को बुक करके ले लेता, पर भाई इसमें वो फीचर्स है नहीं जो कि है भाई 4x4 का। अगर 4x4 की जगह ऑल व्हील ड्राइव भी देते तब भी डन कर लेते थे, बट भाई इसमें वो वाला फीचर जो है वो है ही नहीं, ना ही इसमें 4x4 है ना ही ऑल व्हील ड्राइव है। बाकी गाड़ी में मोड्स की बात करें तो भाई जैसे कि इस वाली सफारी में भी है पहले से ही, स्पोर्ट मोड, इको मोड और रफ रोड मोड, वेट मोड भी है। तो ये चारों मतलब मोड जो है वो इसमें भी है और चारों ही मोड वो अब नई वाली में भी है, बाकी उसमें ऑल व्हील ड्राइव और 4x4 नहीं है। बाकी ओवरऑल बात करो तो भाई गाड़ी की, भाई गाड़ी यार वाकई में बहुत बढ़िया है, लुक वाइज भी इतनी क्लास बना दी ना गाड़ी, एकदम फर्स्ट क्लास एकदम भाई यार, मतलब ऐसा लग रहा देख के तो यार टाटा ही गाड़ी है ही नहीं, कोई और ही गाड़ी है, जो बात है भाई। बाकी आप लोगों को सबको पता ही है कि जैसे कि टाटा सफारी जो है वो रेंज रोवर के प्लेटफॉर्म पे है, अब तक प्लेटफॉर्म पे थी, पर अब जो है ना भाई लुक वाइज वगैरह सब चीज़ जो भाई जहर कर दी भाई गाड़ी, कतई जहर। तो कुल मिलाकर भाई गाड़ी मुझे तो भाई बहुत अच्छी लगी, ओवरऑल बहुत बढ़िया लगी, एकदम कोई कमी नहीं लगी गाड़ी में, जो थी बस वो मैंने आपको बता दी। 4x4 या ऑल व्हील ड्राइव होता तो शायद गाड़ी में कोई कमी ना रहती,
पर भाई वाकई में इस सेगमेंट में और इतने पैसों में भाई साहब गाड़ी पूरी वर्थ इट है। तो अगर आप प्लान कर रहे हो कोई नई गाड़ी लेने का 25 से 30 लाख तक की रेंज में, तो भाई आप टाटा सफारी चूज कर सकते हो, आपको एक नंबर गाड़ी लगेगी। अगर आप जाके देखोगे चलाओगे, चलाई तो कराई मैंने भी नहीं है नई वाली, बट अगर आप इसे चूज करोगे तो भाई आपके लिए इससे अच्छा ऑप्शन और कोई हो ही नहीं सकता। टाटा सफारी इज द बेस्ट ऑप्शन। तो जाओ 2024 की टाटा सफारी बुक कर दो और भाई मजे लो गाड़ी के, हम तो ले रहे हैं तुम भी लो, ठीक है। तो ठीक है भाई, करते हैं इस ब्लॉग को भी यहीं पे एंड। और भाई कमेंट करके जरूर बताना कि गाड़ी में आपको क्या कमी लगे क्या नहीं, कोई और ऐसा फीचर जो भाई मैं भूल रहा हूँ, तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताना कि गाड़ी में ऐसा क्या होना चाहिए था क्या नहीं। बस इसी के साथ तब कर देते हैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड और मिलते हैं अपने अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राम राम जी। कमेंट करके जरूर बताना वीडियो में क्या अच्छा लगा क्या नहीं, ठीक है भाई। तो मिलते हैं अपने अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राम राम जी।